हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णेंद्र, आप सभी का स्वागत है मेरे लव्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिसके फूल अगर आप एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तो सबसे पहले आप उस फूलों को देख लीजिए। तो आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी फ्लावरिंग है, यानी कितने अच्छा दिख रहा है ये फ्लावर, और ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और थंबनेल में आप देखा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इसका पहला नाम पेट्रो वल्वलिस, दूसरा नाम सैंड पेपर वाइन और तीसरा नाम नीलमणि लता। और फ्रेंड्स, ये जो इसका पहला नाम है पेट्रो वल्वलिस, ये इसका आईडी नाम है, और दूसरा जो नाम है सैंड पेपर वाइन, वो इसकी पत्ती को नज़र रखते हुए रखा गया है, और तीसरा जो नाम है नीलमणि लता, ये बंगाल की रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रखा है इसकी फूलों की खूबसूरती को देखकर। और फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही पॉपुलर है, और ये खासकर अमेरिका के पौधा है, लेकिन बहुत सालों से पूरे देशों में ये पाया जाते हैं। और फ्रेंड्स, और एक बात बता दूँ कि इस प्लांट में साल में दो बार फ्लावरिंग होते हैं, एक गर्मी की शुरुआत में और दूसरा बरसात के मौसम में। और आप देख सकते हो इस प्लांट में अभी फ्लावरिंग खिला है, तो ये गर्मी की शुरुआत है तो इसमें फूल खिला है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप ज़मीन पे भी ग्रो कर सकती हो और पॉट में भी ग्रो कर सकती हो, लेकिन ये थोड़ा सा फैलता है। इसे आप गेट पे लगाओगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे, और इसका हाइट होता है अगर ज़मीन में लगाते हो तो कम से कम 20 फीट तक, और अगर पॉट में लगाते हो तो 5-6 फीट तक होते हैं, लेकिन इसे काट छाट कर आप 3 या 4 फुट तक रख सकती हो। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस प्लांट को कैसे पॉट में ग्रो करते हैं और इसका क्या केयर है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सैंड पेपर वाइन प्लांट, और इसका हाइट लगभग 8 इंच तक है, और अभी से इसमें आप देख सकते हो फ्लावरिंग है, और यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, शायद आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो इस छोटे प्लांट में भी आप देख सकते हो फ्लावरिंग आ गया है, और इसे मैं इस 8 इंच की पॉट में ग्रो करने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये 8 से 10 इंच का पौधा है और इसका जो रूट वॉल है ये बहुत ही छोटा है, तो इसलिए मैं इसके लिए छोटा पॉट यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसका हाइट अगर 2-2.5 फीट होता तो मैं इसको 10 या 12 इंच पॉट में ग्रो करता, लेकिन हर एक प्लांट की रूट वॉल और उसके हाइट के ऊपर उसकी पॉट चूज़ किया जाता है, तो इसलिए मैं इसको 8 इंच पर ग्रो कर रहा हूँ, और एक साल बाद मैं इसको 10 इंच पॉट में या 12 इंच पॉट में शिफ्ट करूँगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने मिट्टी ले लिया है ये मैंने कम से कम 20-25 दिन पहले तैयार करके रखे हैं, और इसका जो सॉयल मिक्स है वो 50% मिट्टी है, 20% कॉम्पोस्ट है, 20% राइस हस्क है। आप राइस हस्क के अलावा कोकोपीट या वुडन डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, और 10% मैंने जो बिल्डिंग करने वाले जो सैंड आती है वो इस्तेमाल किया है 10%। तो ऐसे ही आप एक मिट्टी बना लीजिए और इस प्लांट को लगा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस प्लांट में ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं, आप 20% ही डालिए, और 10% सैंड इसलिए डालिए क्योंकि इसकी मिट्टी में पानी रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये प्लांट बहुत ही मॉइस्ट पसंद करती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्लांट में एक दिन मैं पानी देना भूल गया था, तो इसकी जो फ्लावर है यहाँ से गिर गया है, और उसके बाद में जब पानी दिया तो ये फूल टिक गया है। तो इस प्लांट में जब फूल हो, यानी जब इसमें फूलों का स्टिक निकल रहा हो, तब इसमें पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पानी मेंटेन करती रहेगा, तो इसलिए मैं इसमें 20% कोकोपीट या राइस हस्क का इस्तेमाल किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्लांट को लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक 8 इंच का पॉट ले लिया है, और जिसमें 2 छेद हैं, तो बीच वाली होल में यानी बीच वाली छेद में हम एक पॉट का टुकड़ा रख रहे हैं, और जो साइड में एक होल है यहाँ पर भी एक पॉट का टुकड़ा रख रहे हैं, और इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करना होगा, इसलिए हम इस लाल सैंड को इस्तेमाल करते हैं जो बिल्डिंग बनाने में काम आती है। इससे 1 इंच तक क्लियर बनाते हैं ताकि पानी के साथ मिट्टी बाहर ना जा पाए। ये आप देख लीजिए, अब हम इस मिट्टी को इसमें भर लेंगे।
तो फ्रेंड्स हम इस प्लांट को रख के देख लेते कि और मिट्टी देना होगा कि नहीं। तो पहले हम इस प्लास्टिक को हटाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इस प्लांट को बाहर निकल लिया है, अब हम इसमें रख रहे हैं। थोड़ा सा और भी मिट्टी देना होगा। तो फ्रेंड्स इस प्लांट की मिट्टी में आप हमेशा मॉइस्ट बनाए रखिए, क्योंकि ये प्लांट मॉइस्ट पसंद करती है, मैं पहले भी बोला हूँ। और बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की, तो आप इसमें अगर ऑर्गेनिक डालना चाहते हो तो एक चम्मच बोन मिल, एक चम्मच हॉर्न मिल और एक चम्मच नीम की खली हर एक महीने में डाल सकते हो। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहते हो तो कोई भी एनपीके बैलेंस फर्टिलाइज़र आप हर 25 दिन या 20 दिन में एक बार इस 8 इंच या 10 इंच गमले में 2 ग्राम डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमने लगा लिया है। तो बात करते हैं इसके कीड़े मकोड़े के बारे में। तो इस प्लांट में कोई कीड़ों मकोड़े का ज़्यादा अटैक होता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो एक नीम ऑयल का स्प्रे हर महीने कर सकते हो या कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप हर महीने एक बार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी धूप के बारे में। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इसे आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हो या ऐसी जगह पर भी रख सकते हो जहाँ पर कम से कम 3 घंटे धूप आती हो। तो ये 2 जगह पर भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं और इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी होते हैं। और फ्रेंड्स बात करते हैं फंगस की, तो इसमें खास करके कोई फंगस लगता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो महीने में एक बार एक फंगिसाइड के स्प्रे एक बार कर सकती हो। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यही है पेट्रोफॉलेबिलिस की केयर, बहुत ही सिंपल है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों पर शेयर करिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।